अगर आपका राशन कार्ड चोरी हो गया है, खो गया है या फट गया है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि राशन कार्ड कैसे प्रिंट किया जा सकता है बिना कुछ भरे या बिना कुछ डिटेल्स दिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा, यहाँ आपको टाइप करना होगा EPDS, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद ये ऑफिशियल साइट है, इस साइट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ RCMS रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट का शो कर रहा है, हमें कटिहार डिस्ट्रिक्ट का शो करना है तो हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और शो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप रूलर से है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप अर्बन से है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए हम रूलर गांव ग्राम से है तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ बाई ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम बलरामपुर ब्लॉक का चेक करेंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ बाई पंचायत सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम पंचायत अपना चूज कर लेंगे। यहाँ विलेज का नाम चूज कर लेंगे, कौन सा गांव से आप। उसके बाद यहाँ आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ राशन कार्ड संख्या, यहाँ कार्ड टाइप आ जाएगा, यहाँ कार्ड होल्डर का नेम आ जाएगा, यहाँ कार्ड होल्डर का फादर नेम या हस्बैंड नेम आ जाएगा, यहाँ डीलर का नाम आ जाएगा। इन सबको हम चेक कर लेंगे। इसके बाद जो भी है आपका इसको खोज लेंगे, पूरा गाँव का लिस्ट आ चुका है आपका, यहाँ खोज लेंगे। जैसे कि मुझे ये 33 नंबर में ये शो कर रहा है मेरा ये है, तो इस राशन कार्ड के नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ राशन कार्ड आ जाएगा। यहाँ से प्रिंट पेज के ऊपर क्लिक करके आप इसको PDF में सेव कर लेंगे, प्रिंटर अटैच है तो इसको प्रिंट करके भी दे सकते हैं। यहाँ आपका कार्ड राशन कार्ड का नंबर आ जाएगा, यहाँ राशन कार्ड का प्रकार आ जाएगा, नाम आ जाएगा, पता आ जाएगा, यहाँ डीलर का नाम आएगा, कितना सदस्य हैं, पूरा सदस्य का नाम, उम्र, बेटा बेटी जो भी है उसका नाम यहाँ आ जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।